हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम्स लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज से जो 16 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये भी लिया गया है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से। क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू चेंज द एंटायर पोलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का वह कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संसद को दोस्तों पावर्स देता है, किसकी, टू चेंज द एंटायर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। आपको उस आर्टिकल का नाम बताना है, वह कौन सा आर्टिकल है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करते हैं, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू चेंज द एंटायर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 3 में दोस्तों मेंशन क्या किया गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अगर किसी भी नई स्टेट को फॉर्म करना है या फिर एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, बाउंड्री को चेंज करना है या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, तो दोस्तों उस मैटर को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट विल रेफर द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर टू एनी चेंज इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल 3 के अनुसार जो प्रेसिडेंट है वो बिल देगा एक स्टेट लेजिस्लेचर को, बिल भेजेगा किसको, स्टेट लेजिस्लेचर में। लेकिन याद रखना दोस्तों, वो बिल किस मैटर से रिलेटेड होगा, चाहे वो स्टेट को फॉर्म करना है या फिर इंक्रीज या डिक्रीज करना है एरिया को, बाउंड्रीज में कोई चेंज लाना है या फिर टाइटल में कोई चेंज करना है, उसी मैटर से रिलेटेड वो बिल होगा। लेकिन याद रखना, उस बिल को स्टेट एक्सेप्ट करे या इग्नोर करे दोस्तों, पास करे या ना करे, परमिशन दे या ना दे, वह इम्पॉर्टेंट नहीं है। पार्लियामेंट का काम था दोस्तों क्या करना, स्टेट को आगाह करना कि ये हम चेंज कर रहे हैं। डिसीजन तो किसने लेना है, पार्लियामेंट नहीं लेना है, आखिरकार का डिसीजन होगा पार्लियामेंट का ही। फ्रेंड्स, ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट क्यों है, आर्टिकल 3 पहले जे एंड के ऊपर अप्लाई नहीं होता था, इंप्लीमेंट नहीं होता था, जब से जे एंड के का स्पेशल स्टेटस था। लेकिन फ्रेंड्स, जब स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया तो तब से क्या हुआ, आर्टिकल 3 भी जो जम्मू कश्मीर के ऊपर इंप्लीमेंट हुआ, उसके तहत क्या हुआ, जे एंड के का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और जे एंड के स्टेट को दोस्तों डाउनग्रेड करके यूटी में कन्वर्ट किया गया, स्टेट का एरिया भी डिक्रीज किया गया, डिवाइड भी किया गया, बाउंड्रीज में चेंजिंग की गई। तो दोस्तों ये आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जे एंड के कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।